छोरा शहर की गोरी, she's so hot, she's one in a million, महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली, ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, ना जाने कहां से ये आई रे भगवान, hey, cut it out, गवार हाय रब हुआ ओ काग जब हुआ ओ हाय रब हुआ काग जब हुआ जब 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 हुआ काग जब हुआ जब जब हुआ काग जब हुआ जब जब हुआ काग जब हुआ जब लव हुआ जब मैं इस गांव में आई थी तब मुझे लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है लेकिन आज उस सब के बदले बस सिर्फ मुझे रघु मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे पता ऐसा नहीं हो सकता वो गहना का होने वाला है और गहना मेरी फ्रेंड है और मुझे ये भी मालूम है कि रघु सिर्फ मेरा दोस्त हो सकता है और उसकी शादी गहना से होने वाली है लेकिन लेकिन तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल है मैं क्या करूं कभी कभी एकदम सा रोना आ जाता है और फिर मुझे भागना पड़ता है और मुझे मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं थैंक यू क्या गलती हो गया अरे बाबरे भाग चल नीचे उतर उतर नीचे हाँ आता हूँ क्या हुआ बहन जी जबान तो सब खोलें पर हम बिन बोले बोले अरे काहे मार रहा है इसे सोटी से सटाचट हैं बोलती नहीं है इसलिए उसका क्या है कि बैल छड़ी की भाषा ही समझता है ना बहन जी ओ और तू चल उठक बैठक लगा उठक बैठक लगा अरे लगा उठक बैठक हाँ और बहन जी होगी तेरी अम्मा हम हैं तेरी अम्मा की अम्मा समझा अब दादी बोल अरे बोल दादी हाँ दादी दादी के राज में कोनो ना आजादी है ना अरे बैल को मारता है और खुद की अकल है भैंसे की बोल गऊ हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है गऊ हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है और बैल हमारा बाप है उसको मारना पाप है बैल हमारा बाप है और उसको मारना पाप है चलो सब बोलो गाय हमारी माता है गौ हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है हमको कुछ नहीं आता है और बैल हमारा बाप है बैल हमारा बाप है उसको मारना पाप है अब देखो अब हम शाम ढले जब सैर करने आएंगे ना
तो यही प्रायश्चित करते मिलना। उसके बाद कोनो बेजान जानवर को छड़ी से नहीं मारोगे, ठीक है? हाँ, बोलता रहे। ये दादीगिरी। हम गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। हे प्रभु, इतने दिनों से मैं इस गांव में रह रहा हूँ, ऐसा भूचाल पहले कभी नहीं आया। अब तू ही बचा ले इस गांव को। का हुई रहा है रंगीला? हाँ, ठीक से दारू नहीं पियो, यही लिए सपना दिखाई पड़ रहा का। ये दादी अम्मा छड़ी दिखाई पड़ी भाई। ना सपना ना है, हम ही हैं और हमारी छड़ी। देवकी कहाँ है? कौन देवकी? तेरी जोरू। हम को ना पता है, किसी की कसम दिला दे, हम सही करें, हमको पता नहीं, अपने दिला दे कसम, ना पता। ये नशे ने तो तेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, है? अरे बेटा, नशा ही करना है तो नीरा पी, है? उससे भी नशा होवे है, चुस्ती पुरती आवे है, और ये जो टांग है ना, ये लड़खड़ाए ना है, जम जाए है, जम। सुधरा ना तू, चल देवकी के पास। ना दादी अम्मा, तुम मारती हो डंडी से और वो मारती है जबान से, हमको नहीं जाना। अरे अभी तू चल, उसकी भी जबान देखो, मेरी भी छड़ी से चल। हम चलो, वो देखो हम हाल। अरे रुक ले, रुक। अरे बचाओ, अरे बचाओ, भागो भागो। क्या हुआ, भाभी पीछे पड़ी है क्या? नहीं नहीं, वो भूचाल है, वो भूचाल। कौन है भूचाल? हमारे पैर के नीचे तो नहीं आया? मिर्जा, या अल्लाह, मदद। मिर्जा। दादी। हाँ दादी, दादी के राज में कौन ना आजादी। क्यों, अपनी अकल पे भी उस तरह फिराए लिए हो का? आधा वर्जी दादी, ये नमस्ते कर। ठीक है, आप कब तशरीफ लाए? तशरीफ नहीं लाए, हम तो तुम सबके लिए अकल लाए हैं। अरे कुछ दिन गांव छोड़ के क्या गए, तुम सब तो गधे की औलाद बन गए। हमारी अम्मा ने तो कहा था कि हमारे वालिद का नाम सईद मिर्जा था। अरे चुप, इस तरह तो चलाना आता नहीं, जबान चलाता है। इतना समझाया था, सब भूल गए। कहाँ भूल गया दादी, एक बार फिर से बता दीजिए, आपका बच्चा हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जिंदगी रहेगी तब ना, पूरब दिशा में उस तरह चलाओगे तो जिंदगी एक एक दिन कम होती जाएगी और तू तो बचेगा ही नहीं। मगर दादी, पिछली बार तो आपने पश्चिम में कहा था। अरे हम मूर्ख हैं क्या, जो दिशा ही बदलते रहेंगे? अब किसे बोला ना तो छड़ी देंगे उठा के सर पे। जी दादी। ठीक। ये कौन है भैया, इनको तो पहले कहीं देखा नहीं। अरे तेरी किस्मत अच्छी है जो नहीं देखा, यहीं रहती थी, थोड़े दिन के लिए बाहर गई थी, अब आ गई है। इन पे तो कहीं शेर लिख डाले हमने। दादी पे अर्ज किया है ताजा ताजा, ना उसरा ना चाकू ना तलवार चाहिए, बस दादी की जुबान जैसी धार चाहिए। वाह क्या बात है। हे भगवान, तेरे ही हाथों सौंप के गए थे सब, आंखें बंद किए थे क्या? सब के सब वैसे के वैसे, किसी को सुधार ना सके तुम। आपने मेरी कितनी बात सुनी, आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, और अगर बोर किया ना तो कोई बात नहीं, अब जब भी मुझे किससे बात करना है मैं यहीं पर आऊंगी। ओके? समझ में नहीं है। हाय भैया। अरे छोरी, ऐसे नग्न अवस्था में भगवान के सामने खड़ी है, अरे शर्म ना आ रही तुझे? अनपढ़ जाहिल, भाषा भी नहीं समझती क्या? चल चल जा, जा घर जाके ये कपड़े बदल कर आ। अरे ये बच्चों की तरह कुतरे हुए कपड़े क्यों पहने हैं तूने? माँ बाप ने लाज लज्जा नहीं सिखाई क्या?
एक्सक्यूज मी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे खराबी तो तब हो ना जब कपड़े हो। कपड़े स्त्री का शरीर ढकने के लिए होते हैं, अंग प्रदर्शन करने के लिए नहीं। लिसन लिसन यू ओल्ड लेडी, शट अप। अरे शराब तो तू है, तू अंग्रेजी बोले तो विलात में जा और वहां जाकर ये कपड़े पहन। मेरे मंदिर को क्यों भ्रष्ट कर रही है? अरे तुझे ये तो पता है ना कि तू छोरी है, या ये भी तेरे अम्मा बापू ने तुझे नहीं बताया? ए मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ मत कहना। और तुम हो कौन? बस बिना बात के लड़ने आ गई? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे बुड़बक मैं समझा रही हूँ तुझे, कान के पर्दे खोल के सुन। देख छोरियों को सिर्फ दिखना चाहिए, यूं बड़बड़ बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझे किकबॉक्सिंग आती है, ऐसी किक मारूंगी हड्डी टूट जाएगी, समझी? यू बुढ़ी, अब जाओ जाओ अपनी पूजा करो। ए लड़की तुझसे उम्र में दुगनी है हम। इस गांव में किसी की हिम्मत ना हुई हमसे जबान चलाने की। जानती नहीं हम दादी हैं, और दादी के सामने कोनो ना आजादी। हमारी छड़ी घूम गई ना तो क्या कर लेगी? हाँ अगर मुझे हाथ लगाया ना तो सीढ़ियों से लुढ़का दूंगी, समझी? अरे वाह, हमारा गांव और हम ही से तेवर। तुम्हारा गांव? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा नहीं मेरा गांव है। ए छोरी तेरे को पता नहीं है कि हम कौन है? हाँ हाँ, जंगली पागल खूसट बुढ़िया जिसकी इस गांव को कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से आई है वापस वहाँ चली जा। अरे वो तो हम भेजेंगे तुझे जहाँ से तू आई है। हमारे गांव में ऐसी बेशरम और बदतमीज लड़की नहीं रह सकती। ओह यार जस्ट यू ट्राई, ये गांव मेरा है, और अगर मुझे निकालने की कोशिश की ना तो तुम्हारे मुंह पे गोबर लगा के तुम्हें कुएं के रस्सी पे टंगा दूंगी, समझी? अरे देवरी नदी के तीर में तू जैसी लड़की की कोई जरूरत न है। देखती हूँ कैसे रहती है तू यहाँ पे। अच्छा इस गांव में सब मेरे दोस्त है, और वो तुम्हें पकड़ के बैलगाड़ी के पहिए में बांध कर पत्रापुर पहुंचा देंगे। ये लड़की है कौन और हमारे गांव में कहां से आ गई? 2 दिन के अंदर इसका बोरिया बिस्तरा बांध के गांव से बाहर नहीं निकाला तो हम भी दादी नहीं। बोला भैया ये आओ जल्दी। अरे कहां है, कहां है आत्मन साहब को उठा रखा था? तुम आओ तो सही। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, पिताजी क्रोधित हो जाएंगे, वो हमें पूजा हेतु हवन सामग्री लाने भेजे थे और हम। अरे भोला भैया गजब हो गया, हमने अभी अभी आने जी को ई कहते हुए सुना है कि वो रघु भैया से प्रेम करे। का भोला भैया आप भी बात जाना तो और हमें बताया तक नहीं। अरे तो का करते, वो पूले के पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते का। देख सोना अगर ये भेद खुल गया ना तो गजब हो जाएगा। बोला भाई मगर क्या आप भी? अगर मगर कुछ नहीं, हम अपने मित्र की खुशी हेतु अपने जीवन की आहुति दे सकते हैं। अगर रघु भैया एक बार कह दिए हैं तो कह दिए हैं, अब तो ये सत्य हमारी अर्थी के साथ ही जाएगा। और सोना तुझे हमारी कसम जो ये भेद तू किसी को बताई दो। बोला भैया मगर ये प्रेम का मामला है और हम कुछ भी ना करेगा। अरे ना सोना, हम कुछ ना करेंगे। जानकी अम्मा आप भी? हाँ हम भी जाने हैं। प्रेम वही है जो आहुति दे, रघु आन्या वही किए हैं, क्योंकि गहना और सरपंच जी को रघु वचन दे चुका है। हमें तो बहुत गर्व है अपने बचवे पर। परंतु जानकी अम्मा अगर किसी गलत व्यक्ति को ये बात मालूम पड़ गई तो? हमें भी यही डर है बोला कि किसी की जुबान फिसल गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये ब्याह शांति से निपट जाए तभी तसल्ली होगी हमें।
आपसे एक बात कहें? बोलो। आप ही की वजह से तो रघु और हमारा ब्याह तय हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे हाथों पे मेहंदी लगाएं। कहना मुझे मेहंदी नहीं लगाने आती। कोई बात नहीं, आप जैसी भी लगाएंगी हमें बहुत अच्छी लगेगी। अम्मा? नहीं नहीं, अब ये लीजिए हमारे खातिर। नहीं होगा, किसी और से लगवा लो। कोई बात नहीं आन्या जी, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। कितना सुंदर लग रहा है आन्या जी। अब ये वाला हाथ, हो गया। ये तो बहुत सुंदर है। हमने कहा था ना कि हम मेहंदी आप ही से लगवाएंगे। अब देखिएगा इस मेहंदी का रंग कितना पक्का चढ़ेगा। रंग तो ठीक है, मगर कुछ छूट गया है इस मेहंदी में। रघु का नाम तो लिखा ही नहीं। आन्या जी लिखिए ना आप ही, रघु को ये बात बहुत अच्छी लगेगी। हमारी खातिर आन्या जी को मेहंदी लगाओ। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं, नहीं मुझे नहीं लगानी। आन्या जी आप हमारी शादी में मेहंदी नहीं लगाएंगी? मुझे भी लगानी है मेहंदी। पहले हम आन्या जी को तो लगा दें। निराश काहे होती है ईसा जी, लाइए हम मेहंदी लगा देते हैं। तुम? प्लीज, कभी नहीं। ठीक है, ना लगवाइए, इंतजार करिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेहंदी खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर ठीक है, तू लगा दे, लेकिन अच्छे से लगाना हो। अरे ऐसा मेहंदी लगाएंगे कि इस गांव में कभी किसी ने ना लगाई हो। हम अभी आते, आप यहाँ बैठिए। खास मेहंदी है, इसके बारे में कोई ना जाने। अच्छा, आन्या भी नहीं? कोई भी नहीं, ऐसा रंग दिखाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। चल जल्दी लगा। लेकिन आप हमसे वादा करिए कि सबसे पहले ये आप भोला भैया को दिखाएंगी। अगर हैरान ना हुए तो हमारा नाम छोटू नहीं। लगा लगा लगा। हो गई। वाह,
बार मैंने मेहंदी लगाई है। थैंक यू छोटू। अब मैं भोला को जाके दिखा के आती हूँ। हाँ जाइए जाइए, जल्दी जाइए। बदबू कैसी आ रही? तुझे ना आ रही बदबू? ये तो पास ही आई जा रही। हाय रघु। हटो, बदबू आ रही तुम में से। What? Excuse me, बदबू और मुझसे? Please, मैंने 5000 रुपए का परफ्यूम लगाया। बदबू तुमसे आ रही है? बदबू तो तुमसे ही आ रही है। Shut up, भोला कहाँ है? भोला, भोला, देखा भोला मैंने मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है? रंग तो मेहंदी जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मेहंदी है ही ना। लगता चुईया हग गई इसके हाथ पे। हाँ तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। बताओ ना भोला। ये तो गोबर है। अरे आप हाथ में गोबर काहे लगाइए भाई? क्या इसका मतलब? छोटू ने मेरे हाथ में गोबर लगा दिया। अब छोटू से लगवाओगी तो और क्या लगाएगा, गोबर ही लगाएगा। भोला देखो ना, छोटू ने मेरे हाथ के साथ क्या किया। प्लीज मेरा हाथ साफ कर दो। प्लीज भोला जाकर पानी लेकर प्लीज मेरा हाथ धो दो। अरे बताई, हाथ में गोबर लगा के आई है। लो हो गया। आने जी, ये तो बहुत सुंदर लगी है। अब देखिएगा इसका रंग कितना गाढ़ा चढ़ेगा और आपका पति आपको बहुत प्यार करेगा। थैंक यू गहना, तुम बहुत अच्छी हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे मेहंदी का रंग बहुत अच्छा हो। आन्या जी, आपको पता चला कि वो पौधा कौन छोरी ने लगाया था? नहीं, पर जो भी हो ईश्वर करे उसे अपना प्रेमी मिल जाए। सबको अपना प्यार थोड़ी मिलता है ना, शायद उसकी किस्मत में प्यार ही ना हो। या क्या पता उसके प्यार का ब्याह किसी और के साथ हो रहा हो। हाय हाय सोना, ऐसी कैसी बातें कर रही है? ईश्वर ना करे कभी उसके साथ ऐसा हो। कोई बेवकूफ लड़का ही होगा जो अपने प्यार को छोड़ के किसी और लड़की से ब्याह करेगा। और ऐसी कौन सी लड़की होगी जो दो प्रेमियों के बीच में आना चाहेगी? है ना आन्या जी? मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी आ गई, इससे तो मैं देखती हूँ। लड़की जबान संभाल के बात कर वरना वरना मुझे धमकी देती है। ए
मेरे पीछे पीछे आ गई है और मेरे दोस्त की मेहंदी खराब कर रही है और ऊपर से मुझे वरना कह रही है। तुम्हारी वरना से मुझे नहीं डरना, समझी? अच्छा तो अभी बताती हम तेरे को कि हमारी वरना से किसको है डरना। तेरी तो 18 सेंचुरी की पुरानी किताब, बड़ी आई रोब जमाने, हिटलर है क्या? तुझे देखते ही सब खड़े हो जाएंगे, लड़कियां अपने सर पे पल्लू डाल देंगी, तेरे पैर आके छुएंगे। देख आखिरी बार कह रही हूँ तुझे बुढ़िया, चली जा वरना राम प्यारी को बुला के गोबर से तुझे। चुप चुप हो जा बस। ये रघु की दादी है। हाय रब हुआ ओ कागज जब हुआ, ओ हाय रब हुआ कागज जब हुआ, जब 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 लब हुआ कागज जब हुआ, जब लब हुआ कागज जब हुआ, जब लब हुआ कागज जब हुआ, जब लब हुआ।